हेलवेटिका वो फॉन्ट है जिसने डिजाइन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। बट कैसे? फॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि दूर से भी देख के समझ आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट पर क्या लिखा है या फिर सब्जेक्ट क्या मैसेज देना चाहता है। ऐसे में एंट्री होती है हेलवेटिका फॉन्ट की, जिसने पूरे के पूरे मार्केट को टेक ओवर कर लिया। और ऐसा रातों रात नहीं हुआ, इसके लिए एक लंबा वक्त और प्रोसेस लगा। हेलो गाइस, मैं राजीव मेहता और आप देख रहे हैं एक नया सीरीज ब्रिंग आउट। और इस सीरीज का टॉपिक है हाउ हेलवेटिका चेंज द डिजाइन इंडस्ट्री, यानी हेलवेटिका ने डिजाइन इंडस्ट्री में कैसे आग लगा दी। हेलवेटिका को दूसरे विश्व युद्ध के बाद मैक्स मिटिंगर और एडवर्ड हॉफमैन ने 1957 में डिजाइन किया था। उस वक्त बहुत सारी कंपनियां अपने मार्केटिंग में कुछ चेंज चाहती थी, कुछ नए स्टाइल में ब्रांडिंग करना चाहती थी। और हेलवेटिका का नाम हेलवेटिका था ही नहीं, इसका नाम था न्यू हास गोटेक्स, जो कि स्विस मार्केट में सबसे पहले सेंस सेरिफ फॉन्ट के रूप में शुरुआत की। और ये नाम बदलने का फैसला 1960 में मार्केटिंग डायरेक्टर स्टेम्पल ने फैसला किया था कि ये नाम बदलना चाहिए। अच्छा, नाम इसलिए बदला क्योंकि हेलवेटिका का नाम पुराना किसी देश के नाम पे था, और हेलवेटिका के मार्केटिंग हेड चाहते थे कि वो फॉन्ट केवल एक देश तक सीमित न रह जाए। 390 cubic inch V8, new wide oval tires, and an optional speed control that lets you set your own course of action. Norman discovered a new wave of excitement. Take the play! फिर आता है दौर 1965 के। 1965 के आसपास में हेलवेटिका फॉन्ट को फोटो टाइप सेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल कराया गया। फोटो टाइप सेटिंग के अलावा जैसे कि लेटरा सेट, डाई ट्रांसफर, प्लास्टिक के लेटर पर प्रिंटिंग के कई फोटो टाइप सेटिंग के लिए भी बनाया गया। 1970 और 1980 के दशक के अंत में लिनोटाइप ने हेलवेटिका का लाइसेंस जेरोक्स, एडोबे और एप्पल को दिया। फिलहाल हेलवेटिका का कॉपीराइट अब मोनोटाइप इमेजिंग के पास है, जिन्होंने लिनोटाइप से टेक ओवर किया था। हेलवेटिका फॉन्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया तब मार्केट में और भी बोल्ड और ट्रेंडी फॉन्ट थे, जो कि पैकेजिंग में, एड्स में और न्यूज़पेपर में यूज होते थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त हेलवेटिका का कोई कंपटीटर नहीं था। मार्केट में एक फॉन्ट था जिसका नाम था एरियल। हेलवेटिका एरियल के मुकाबले बहुत ही रिफाइन था, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था। हेलवेटिका में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसको दूसरे फॉन्ट से बहुत अलग बनाती है। हेलवेटिका फॉन्ट के एक लेटर से और दो लेटर के बीच के जो गैप है वो काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि दूर से देखने में समझ आ जाता है। आप हेलवेटिका फॉन्ट्स के काफी ब्रॉड होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हेलवेटिका सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, ये लैटिन, सिरिलिक, हिब्रू, ग्रीक, जापानी, कोरियन, हिंदी, उर्दू और वियतनामी लैंग्वेज में भी मौजूद है। कुछ फेमस ब्रांड जिसको आप जानते हो और जिसके लोगों में हेलवेटिका फॉन्ट का यूज किया गया है, जैसे कि BMW, मोटरोला, नेस्ले, पैरासोनिक, स्काइप, ये सारे ब्रांड में हेलवेटिका फॉन्ट का ही यूज हुआ है। यहाँ तक कि नासा ने भी हेलवेटिका फॉन्ट को अपने प्रोडक्ट के लिए यूज किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि IBM ने 2017 तक हेलवेटिका फॉन्ट को यूज करने का जो कॉपीराइट लाइसेंस का जो प्राइस था वो $1 million पर ईयर से भी ज्यादा था। हेलवेटिका फॉन्ट का स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूज हुआ। 2019 में स्विट्जरलैंड के नेशनल फुटबॉल टीम ने अपनी किट के लिए हेलवेटिका फॉन्ट का यूज करना शुरू किया, जिसे उसने UEFA यूरो 2020 टूर्नामेंट में पहना था। हेलवेटिका फॉन्ट के कई सारे वेरिएंट मार्केट में है, जैसे कि हेलवेटिका लाइट, हेलवेटिका कंप्रेस, हेलवेटिका राउंडेड और हेलवेटिका नैरो। ये वो फॉन्ट है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। हेलवेटिका के और भी वर्जन है जिसको आप सर्च करोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। बाकी कई सारे हेलवेटिका फॉन्ट फ्री में भी अवेलेबल है, को बिना पैसे खर्च किए आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बारे में आप गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो गाइज, ये था ब्रिंग आउट का एपिसोड नंबर 1, जहां पे हमने बात किया हेलवेटिका फॉन्ट ने डिजाइन इंडस्ट्री को कैसे बदल दिया। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और इसके नीचे कॉमेंट करके अपना फीडबैक दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।